The case of alleged suicide by constable took a dramatic turn on Tuesday when police registered a case of murder against unidentified people in relation to his death. 27-year-old Dinesh Kumar was found shot in mysterious circumstances and rushed to a hospital where he was declared brought dead. Police had assumed it to be a case of suicide based on the circumstantial evidence. Police had also recovered a suicide note which didn't mention the reason for suicide. देखिए जो उसके परिजनों द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है उस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है और उसमें कोई कितने लोग हैं उसको खुलासा नहीं है। मुकदमा पंजीकृत है और तदनुसार विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि उसमें गोली पीछे से लगी, पहले पुलिस ने बताया गोली से आगे से लगी। देखिए ये एक विवेचनात्मक कार्रवाई का पार्ट है और फॉरेंसिक टीम और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट टीम ये सारी चीज़ें उन्हें सुपुर्द की जा चुकी हैं और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार, क्योंकि एक्सपर्ट रिपोर्ट है, एक्सपर्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें विवेचना अग्नि विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह फोन पर खबर मिली के बाद अगर ने गोली मार दी उनके दिनेश के, आपको क्या लगता है? गोली मारी भी लग रही है, हमें तो किसी ने गोली मारी है। किसी से रंजिश थी या कोई उन्होंने कभी जिक्र करा हो? ना रंजिश फंजिश वाली तो कोई ऐसी बात नहीं, उसे खूब आराम से गांव जाते, खूब मेल प्रेम से बोलते, सब बातें तो ऐसी कोई बात नहीं आई। हमें तो ये लग रही है किसी ने गोली मारी है। सुबह पता चला हमें 6 बजे की भैया के गोली मार दी लग गई है। यहाँ पर कोई यही बताने को तैयार नहीं है गोली कैसे लगी है। ड्यूटी कर रहे हैं कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी एसपी बंगले में कर रहे थे ड्यूटी। एसपी साहब बंगला पे ड्यूटी। तो क्या कोई शक है तुम्हें? क्या शक है तुम्हें कि किसी ने हत्या की है? आत्महत्या तो नहीं हो सकती है, आत्महत्या है ही नहीं, हत्या का लग रहा है। पता नहीं कौन है ऐसा, हम तो जानते नहीं यहाँ पर कौन है। शादी कब थी? शादी 3-5 दिसंबर की थी। पावर्ड बाय NNIS।